दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों आज के जो पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण होते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, ठीक, डी शुक्र। तो दोस्तों दो नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीन नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं दोस्तों तीन नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तीन नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। तो दोस्तों तीन नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चार नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों चार नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में मतलब कि अटलांटिक महासागर में, डी इनमें से कोई नहीं मतलब कि अन्य। तो दोस्तों जो चार नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार, पाँच नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों पाँच नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पाँच नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। जो पृथ्वी का भीतरी वाला जो भाग है क्रोड का बना होता है वह किस चीज़ का बना होता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकिल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकिल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पाँच नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा और निकिल का बना होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जो होता है क्रोड वह लोहा और निकिल का बना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छः नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं छः नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों। दोस्तों छः नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन करने में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है यही पूछा गया है। तो दोस्तों इस मतलब कि चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों छः नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन है सही है दोस्तों, रूसी संघ। रूसी संघ जो है मैग्नीज उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है सभी देशों में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों सात नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया सात नंबर के क्वेश्चन में। तो दोस्तों सात नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सात नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि निम्नांकित में एक सेकेंड, बैक हो गया है। सात नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कौन ऐसा देश है जो कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो दोस्तों सात नंबर का जो क्वेश्चन है, सात नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका जो है, अमेरिका देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा कोयले का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आठ नंबर का क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं आठ नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों आठ नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी योकोहामा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आठ नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसाका।
ओसाक जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो 9 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत भारतीयों के लिए नारा है यह किस संस्था ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी इनमें से कोई नहीं मतलब कि अन्य। तो दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने यह नारा दिया था। भारत भारतीयों के लिए एक नारा है यह आर्य समाज ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहने वाली है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपका 10 क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।